जी ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੰਗਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਵੀ ਥਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਤਾ ਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਜਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਵਹਾਂ ਰਹੇ ਵਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਵਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜ ਕੇ ਯਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਆ ਇਨ ਖੇਤੋਂ ਕੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਆ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਆ ਯਹਾਂ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਸੁਧਾਰੂੰਗਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ अपने गांव को अपने एरिया को चमकाऊंगा लेकिन ये लोग उसे खाली इंसाफ भी नहीं दिला पाए उसकी सुरक्षा तो कहाँ करेंगे ये लोग अब इंसाफ भी नहीं दिला पा रहे हैं उसके पूरे कातिल भी नहीं पकड़े गए हैं और जो गोल्डी बरार कनाडा में बैठा है जो कभी ना कभी मुंह ढककर बयान देता है कभी आ जाता है लाइव कहीं उसकी ऑडियो वायरल हो जाती है ऐसे लोगों को अब तक नहीं पकड़ा है तो हम तो इस प्रशासन के खिलाफ रोष जताने आए हैं और इस कैंडल मार्च के जरिए यही रोष जता रहे हैं कि शायद अब जाग जाए प्रशासन जी जी तो जो सिद्धू मूसेवाला की गल कर लिए सिद्धू मूसेवाला एक वड्डी हस्ती सी पूरे वर्ल्ड दे विच उन्हां दा नाम सी जी एदां दी हस्ती नूं एदां दे परिवारां नूं इंसाफ नहीं मिलेगा आम परिवारां नूं इंसाफ कदों मिलेगा देश दे गृह मंत्री अमित शाह परिवार दे नाल मुलाकात करदे ने इस सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हवेली के उन्होंने दुख साझा कर कोई भी अजिहा व्यक्ति नहीं होना अजिहा लीडर नहीं होना जिहड़ा ना आया हो पर परिवार को फिर भी अज इंसाफ के लिए कैंडल मार्च करना पै रहा एक उन्होंने पुत गया तो अज इंसाफ के लिए दर दर दी ठोकर खानिया पै रही क्यों की लगता है कारण की है उदों तो मिले जी जी जो इलैक्शन सी जी उदों पता सी उप चुनाव होना है संगरूर का उदो सब पार्टियां ये जो सिद्धू के नेड़े लगेगा उन्होंने वोट मिल जाएंगे उद्दे गृह मंत्री भी टाइम दिता है बई आ जाओ मेरे नाल मिलो मां प्यो नूं उद्दे भगवंत मान भी कहिंदा मेरा छोटा भरा सी हुण छोटे भरा दे जदों न्याय की गल आई है जदों गल आई भई उन्हें इंसाफ मिले घर दे की मंगदे ने उत्ते हुण दे नहीं सकता कोई उत्ते रब ही दे सकता सी रब ने ही खोलिया रब दा ही नां लवांगे लेकिन ये प्रशासन घट्टो घट्ट जांच करके जिहड़े बंदियां दे नां आए ने घट्टो घट्ट उन्हां नूं ते चक सकदे ने पर ये ऐसा करेंगे नहीं इनकी आदत है क्योंकि इनको इनका क्या गया गया तो उन माँ बाप का है ये इतनी बड़ी हवेली बना दी कौन रहेगा इसमें बिल्कुल जितने सपनों से बनाई थी हवेली एक गांव के घर से निकल कर एक लड़का जब इतना बड़ा महल खड़ा करता है तो सबको नहीं पचती वो चीज़ें तो इनको भी नहीं पच रही अब इनका क्या गया लोग निकालते रहे कैंडल मार्च आज हम निकाल लेंगे शायद कल तक या आज शाम